पे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जस्ट मैं अभी अभी बिल्कुल नहा कर आई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज ही हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगी। और ये भी अभी फ्रेश होके, मतलब तैयार होके, मतलब नहा धो के ये भी बैठे हुए हैं। और यहाँ जब से हम कल से आए ना, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही ना, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल के कपड़े ना सारे हमारे गीले भी हो रखे और सूखे भी नहीं। तो इत्तेफाक से मैं एक सूटिया डाल के भी लेकर आई थी, जो कि मैंने अभी पहन लिया है। और अगर मैं रुकने का प्लान हुआ ना, तो सच में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि भाभी के सूट कपड़े हमारे आते भी नहीं है। तो बस आज हम लोग निकलेंगे घर के लिए, और पार्टी हो चुकी है। कल आपने देखा होगा मेरे जो पहले इससे पहले जो वीडियो आया होगा, उसमें आप लोग देखना पार्टी हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया। और ज्यादा ना रिकॉर्ड में कर नहीं पाई, तो बस जितना रिकॉर्ड हो पाया उतना किया था। तो बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, भाभी बनानी है कचौड़ी। देखते हैं, किचन में चलते हैं अभी हम दोनों, और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो भाभी यहाँ बना रही हम लोग के लिए नाश्ता, और ये यहाँ पे बना रही कचौड़ी आलू की। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई है, और ये देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कितनी ऑयली है। भाभी को बता रही हूँ कि ज़्यादा ऑयली मत बनाना, बट भाभी ने बताया कचौड़ी बहुत 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 टेस्टी बनाई थी। और बस मतलब हम लोग नाश्ता मतलब बताओ, करने ठंडा जा नहीं रहे हैं, आता। और भाभी की कचौड़ियाँ बट देखो, दीपू और इतनी चांदनी पतली में पतली यहाँ पे कचौड़ी बहुत बना रही है कटिंग देखो, अलग से इसलिए इतनी कर रही पतली है ना, पतली कचौड़ियाँ बना क्योंकि रही है यहाँ पे आपने। ना मेरी वहाँ पे थोड़ा हल्ला सा हो रहा और शोर, बस तो मैंने ये चांदनी जो बात है भी ना, किया अभी है। नहाने जा बस रही अभी हम लोग चांदनी। करेंगे नाश्ता, चांदनी जो है और नहाने के लिए चांदनी का जाने आवाज वाली दे है, रही हूँ कि और नाश्ता नाश्ता करते करते हैं। हैं। बट वो अभी नहाई नहीं बस थी, पापा दुकान पे बैठे तो हुए अभी हम हैं, लोग जाएंगे और मैं और ये नाश्ता ये करेंगे। देखो हमारे डॉगी और बस यहाँ ये कैसे देखो मिस्टी मिस्टी कैसे मिस्टी बैठी हुई ले है मिस्टी यहाँ मिस्टी मिस्टी पे मिस्टी ये बहुत मिस्टी अच्छी है, बहुत इसका सीधी नाम है है, मिस्टी। ज़्यादा और वो एक और है मतलब ब्लैक, उसको हम उछल कल्लू कल्लू कूद कहते करती है हैं। ना ये किस चीज़ बस की तरफ अभी हम लोग करती है, करेंगे नाश्ता, चुपचाप मिलते हैं बैठी आपको रहती थोड़ी है देर बस। में। और हाँ, अभी तो ये सुबह बस के यहाँ पे 9 हम बज लोग रहे बैठ गए हैं, तो हैं हम अभी और एक दो नाश्ता घंटे के भाभी बाद रेडी अपने कर घर रही है आलू निकलेंगे। की मैंने कचौड़ी, सोचा ब्लॉग और वैसे भी बनाने का बारिश का टाइम टाइम था लेते तो मैंने हैं। बोला था भाभी और आलू बस की अभी हमारी कचौड़ी ही चाय अभी बना बन दो। के पीछे से बहुत अच्छी सुबह बनाई थी भाभी ने। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर दिया है स्टार्ट, और आप लोग देख सकते हो बहुत स्पीड में नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। चांदनी दीपू ये सब लोग नहा के आ गए हैं, और हम सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। चांदनी अपने जिया जी को कचौड़ी दे रही है, आप मेरे यहाँ से खाओगे, तो उन्होंने थोड़ी सी ले ली बट वो नाश्ता कर चुकी थी। और मम्मी यहाँ पे कह रही हैं कि मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, तुम खाओगे तो कचौड़ी के साथ ले लो, किसी को नहीं खानी थी, ये मेरा भतीजा। तो बस सब लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप म्यूजिक के साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए, बस देखते रहिए। भाई ने पता है बनाया है घर में बर्गर, और ये देखो बर्गर खा रहे हैं, दिखाओ। ये देखो बनाया है, और अभी मैं आपको दिखा दी, वो किचन में बना रहा है। अब लोग सोचेंगे कि यार।
हाँ, पर छोटा वाला भाई बना रहा है बर्गर सबके लिए, और स्पेशली अपने बड़े वाले जिया जी के लिए। वो कह रहा था, बहुत देर से जिया जी मैं बर्गर आपके लिए बनाता हूँ, आप मेरे हाथ का बर्गर खाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे। तो उसने टिक्की नहीं भरी, बट आलू का जो है ना बना हुआ भरता रखा हुआ था वो उसने वही भर दिया है। तो वो बस उसने सारे कुछ जो है ना ये सलाद वगैरह जो है अपने आप सैलेड काटा है, सारा टमाटर प्याज सब खुद से काटा है उसने, और ये देखो यहाँ पे बना रहा है बहुत स्पीड में। और बस जिया जी इसके वेट कर रहे हैं कि लेके आएगा, कब लेके आएगा। तो यहाँ पे बन रहा है बर्गर, बस आप लोग देखिए, और बर्गर रेडी हो जाएगा ना तो आप लोग देखना, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बर्गर बनाया था उसने। तो बस यहाँ पे बर्गर रेडी हो गया है, और अब यहाँ पे सॉस डाल के अपने जिया जी को देने जाएगा वो। ये देखो बहुत स्पीड में कर रहा है, बहुत स्पीड में काम, ये देखो चला अपने जिया जी को देने। ये देखो एक वो ऑलरेडी खा चुके थे और कह रहा था कि एक और ले लीजिए जिया जी, तो एक बर्गर जो था दूसरा वाला मैंने ले लिया। और सच में यार बहुत टेस्टी बना था बर्गर, सच में बहुत टेस्टी। घर का तो वैसे भी कोई भी चीज़ हो ना बहुत टेस्टी बनती ही है, अगर आती है बहुत अच्छी बनी थी बर्गर। जैसे यहाँ बर्गर का बर्गर बहुत अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी था, और मैंने आधा खाया क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा ही खाया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी आलू की कचौड़ियाँ खाई हैं। हेलो, तो ये खा रहे हैं और वो अभी अभी भी किचन में बना रहा है सबके लोग, सब लोगों के लिए। भाई तू भी खाएगी क्या? खाली दिखचा है पालो। अच्छा बनाया, मतलब बहुत टेस्टी बनाया है। भाई भी आई नाट पन, मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे YouTube पे ना मेरे 100K सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 1,00,000 हो चुके हैं। तो फाइनली आप लोगों की वजह से मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तो बस अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहना और ढेर सारा प्यार देना, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और बहुत जल्दी मेरे 1,00,000 जो है ना सब्सक्राइबर हो गए बहुत जल्दी। मैंने सोचा नहीं था, अभी मेरे ना 15-20 दिन पहले ना मेरे, सच बताओ मेरे 2100 थे, 2100, और मेरे 2-3 वीडियो ने ऐसे वायरल हो गए ना कि पता नहीं चला कि 100K कितनी जल्दी हो गए सच में। तो ये पार्टी जो है ना, मैंने सोचा था मैं अपने मायके जाऊंगी तो पार्टी सेलिब्रेट करूंगी, बट अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रात में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं मायके, और सुबह ही होते अभी हमें निकलना है घर के लिए। तो बस ये सेलिब्रेट जो है ना हम बाद में करेंगे, और मेरी तरफ से जो पार्टी है ना वो भी मैं बाद में देने वाली हूँ। तो बस नाश्ता ऐसा कर लिया है, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और बस ढेर सारे जो है ना वीडियो को लाइक कमेंट भी करना, और मिलते हैं थोड़ी देर में। लकी खा ले, खा खा, आप खा, तेरी वीडियो बन रही, ले खा खा, ले खा गुस्से वाले, खा और मार, किसे मारेगा, ले मार। बस मार, फोड़ दे या फोड़ दे, फोड़ दे, सही फोड़ दे, बकल बकल ही कर, मारंग में एक ही एक ऑटो वाले की लॉटरी लग के 25 करोड़ की, 25 करोड़ की बात कर, तुम टॉकिंग करो, तेरे को एक सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा भाई, हां एक सरप्राइज मिलने वाला है, क्या सरप्राइज मिलना है, बता दूंगा तो सरप्राइज क्या हुआ फिर। अरे
आ गया आ गया। हेलो लल्ला जी आज पार्टी में देखे जाओ।
पकड़ो मैं कितना मना करती हूं यार। चांदी की जोड़ी के साथ आप इधर आओ। पता है ऐसा लग रहा है गुस्से में कर रहा है यार ये तेरी मूड मूड है। ला जल्दी चला गाड़ी पकड़ रही है। यहाँ पे मैं अपने मायके सॉरी सर मायके से ससुराल आ गई थी तो बस शाम को हम 6 बजे पहुँचे थे और खाना खा के ना हम बस लेटे ही थे तो बस विशाल एंट्री मारते हैं फिर हम लोग के लिए केक लेके आए। सर बताओ मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था कि मतलब भैया भी केक लेके आएंगे क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया चलते नहीं हैं बट मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिले हैं। 2 सरप्राइज़ मिले हैं एक दिन में ही। तो यहाँ पे मेरा केक आया था यहाँ पे बन के यूट्यूब जो है उस पर 100K हो गए थे तो यहाँ मैंने केक वगैरह काटा था और बहुत खुशी मिली मतलब कि यार एक दिन में मैंने 2-2 केक काटे क्योंकि जन्मदिन मेरा होता नहीं है और एनिवर्सरी भी मतलब उतना केक वगैरह हमारे काटा नहीं जाता है तो बस बहुत खुशी है यार। थैंक यू सो मच। तो बस ये मैं सबको केक खिला रही हूँ क्योंकि मैंने नाइटी पहन ली थी यार मुझे क्या पता था कि केक आने वाला है बट मैंने आप लोग देख सकते हो मैं नाइटी पहन के यार वीडियो से नाइटी पहन के केक मैंने काटा और बहुत जल्दी में और नेहा ने भी नाइटी पहन ली थी क्योंकि रात हो चुकी थी यार कुछ पता ही नहीं था वरना हम लोग तो कपड़े अच्छे से पहन के ही सेलिब्रेट करते और बस हम लोगों ने ऐसे ही नाइटी दोनों ने पहन के वीडियोस बना ली क्या कर सकते हैं यार बट केक भी बहुत टेस्टी था। और फिर दूसरे दिन हमारा नवरात्रि का व्रत था तो ये सारा केक जो है ना हमें फिनिश भी करना पड़ा और घर से भी खा के आए थे और यहाँ भी आके केक तो थोड़ा बहुत केक था ना हम लोगों ने इधर भिजवा भी दिया था अपने चाचा वगैरह के और अपनी सिस्टर के छोटी वाली के तो बहुत अच्छा लगा सच में। तो ये सब आप लोग की दुआओं की वजह से है कि मेरे इतनी जल्दी 100 हो गए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ लाइक तो ज़रूर 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 किया करिए और कमेंट भी करिए और अगर आपको मेरे घर से रिलेटिव या फिर आपको फेस के रिलेटिव कुछ भी आपको मेकअप के रिलेटिव या फिर कोई ज्वेलरी के कुछ भी आपको पूछना है ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको बताऊँगी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो बस सब लोग खा रहे हैं खिला रहे हैं बस भैया मुझे केक खिला रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे हमने सोचा था फ़ोटो वगैरह ये देखो मेरा कंबल भी मेरे बेड पे पड़ा हुआ है मैं लेट चुकी थी मुझे नहीं पता था भैया लेके आने वाले हैं। बस यहाँ पे सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं तो बस ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं